दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था CO2 लेजर के बारे में, दिखाए थे पोस्ट एक्ने स्कार, यानी कि जो पिंपल्स के बाद गड्ढे रह जाते हैं उस पर CO2 के किस तरह के रिजल्ट होते हैं, और पेशेंट का रिव्यू भी साथ में दिखाया था, और आपसे बोला भी था कि भाई आपको इसके पोस्ट रिजल्ट के बारे में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हीलिंग प्रॉपर कितने टाइम की होती है, क्या प्रॉपर हीलिंग टाइम है, क्योंकि CO2 लेजर अपने आप में एक बहुत अच्छा लेजर है, बट उसका डाउन टाइम यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद एक नॉर्मल स्किन होने तक का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कासाना आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा इस चीज को लेकर कि क्या लेजर के बाद कोई निशान रह जाते हैं, या फिर क्या लेजर की स्किन रिमूव होने के बाद कोई निशान रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ के साथ ये बैल वाला आइकन जो है इसको जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई एक स्किन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो आपके पास तक पहुंचे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, पेशेंट लाइव रिव्यू के साथ दिखाया था, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी बात करूंगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। तो दोस्तों, जब हम CO2 पहले दिन करते हैं तो एक पूरा डॉट 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 टाइप एक ग्रिड टाइप का प्रॉपर बन जाता है, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का आपको दिखता है, बिल्कुल सफेद, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको लगेगा कि पूरा फेस बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो गया है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये व्हाइटनेस चली जाएगी लगभग एक घंटे में, और इवनिंग तक होते होते शाम होते होते आपको जो है ये रेडनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ी सी इन्फ्लामेशन रहेगी, रेडनेस रहेगी, थोड़ी सी स्वेलिंग फेस पे आ सकती है, और इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि जो हमारा होगा डे टू आपको क्या फील होगा, डे टू आपके फेस पे जितने भी जो स्पॉट थे वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे, पूरा फेस जितना जितना जो हमने ट्रीटमेंट किया है वो पूरा का पूरा रेड आपको फील होगा, और ये पूरे दिन रहेगा। नेक्स्ट डे आपको क्या फील होगा, वही जो रेडनेस थी अब वो प्रॉपर ब्लैकनेस में चेंज हो जाएगी, अब वो ब्राउन से प्रॉपर जो एकदम काले कलर की, एकदम ब्लैक कलर की हो जाएगी, प्रॉपर जो डॉट आपको दिखाई दे रहे थे ग्रिड टाइप का जो बना हुआ था वो और ज्यादा एकदम हाईलाइट होके पूरा एकदम ड्राई होने लगेगा। आपको फील होगा कि आपका चेहरा खिंच रहा है, आपका चेहरा टाइट हो रहा है, और ये पूरे दिन आपका ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट डे ड्राइनेस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और आपको फील होने लगेगा कि अब हमारी स्किन धीरे धीरे करके रिमूव होने वाली है, अब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अंदर से न्यू स्किन आ रही है और ऊपर वाली स्किन बिल्कुल ड्राई हो रही है। जैसे ही अभी डे 4 पे आप नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, अभी सोप साबुन कोई भी फेस वॉश अभी आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ जो हम क्रीम्स बताते हैं हीलिंग के लिए वो सिर्फ आपको क्रीम यूज करनी है। तो डे 4 में आपको क्या होगा, डे 4 में आपको जो है प्रॉपर स्किन पील ऑफ होने लगेगी, कहीं कहीं से धीरे धीरे से स्किन जो है निकलने लगेगी। खासकर यहां पे क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको उस स्किन को पकड़ के निकालना नहीं है, आपको अपने आप से उसको पकड़ के नहीं खींचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप ऐसा करेंगे तो न्यू स्किन है वो भी हमारी डेड सेल्स के साथ निकल आएगी और वो स्कार बना सकती है। इसलिए ध्यान रखें, इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्किन को सेल्फ हील होने दें, अंदर से जो न्यू स्किन बन रही है उसको बनने दें, और स्किन अपने आप धीरे धीरे करके ऐसे ही अंदर से हील होती रहेगी, ऊपर वाली स्किन आपको निकलती रहेगी। अब आता है डे 5। डे 5 पे क्या होगा, डे 5 पे आपको फील होगा कि बहुत अच्छे से पूरी की पूरी लेयर टाइप की निकलने लगी हैं, काफी हद तक आप देखेंगे कि लेयर्स वो रिमूव हो जाएंगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है, हल्की सी बर्निंग आपको जरूर फील हो सकती है, क्योंकि इंटरनल हमारा हीलिंग पीरियड चल रहा है और हमारे स्कार्स जो हैं वो भी हील हो रहे हैं, पिगमेंट हट रहा है, तो खासकर आपको उस दिन अच्छी फीलिंग भी आएगी, डर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो पता नहीं है ब्लैकनेस है, ये हटेगी नहीं हटेगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से जो है हट जाती है। अब आता है डे 6। डे 6 आप फील करोगे कि आपकी मोस्टली जितनी भी स्किन है वो पूरी की पूरी निकल गई है, और अंदर से जो स्किन निकलेगी वो आपकी बहुत ज्यादा ग्लोइंग फ्रेश, एकदम यूथफुलनेस स्किन पे होगी, ब्राइटनेस स्किन पे होगी, ग्लो स्किन पे होगा, आपको फील होगा कि जो आपके ओपन पोर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, अगर जो सुपरफिशियल डार्क स्पॉट थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो आपको फील होगा कि भाई आपकी स्किन
प्रॉपर रिजुवनेट हो गई है, यानी कि एक चमकदार त्वचा जो है वो आपकी हो गई है। और सबसे बड़ी बात अभी और जी, लेकिन जैसे 7th डे है 8th डे है जो साइड में पिक्चर्स बता रहा हूँ, और ज्यादा अच्छे से न्यू स्किन आती चली जाती है, स्किन और हेल्थी होती चली जाती है और आपको और अच्छा फील होता चला जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था, ये इसलिए मुझे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं जब भी मैं पेशेंट को बताता हूँ कि भाई इस तरह से स्किन होगी, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर कोई पिक्चर दिखा दो, किसी पेशेंट की पिक्चर दिखा दो। तो नॉर्मली मैं कभी भी अपने पेशेंट की पिक्चर्स को अलाउड नहीं करता हूँ अपने दूसरे पेशेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी होती है। और मैं थैंक्स कहूंगा कि इन्होंने अलाउ किया दिखाने के लिए, मुझे पिक्चर्स भेजी और इनकी परमिशन से ही मैं ये आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, और हर पिक्चर मैं नहीं दिखा सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप भी ये चीजें समझें कि जब आप हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो हमारी एक प्राइवेसी होती है कि भाई अपने पेशेंट की जो डिटेल्स हैं वो मुझे लीक नहीं करनी है। इसीलिए बहुत ज्यादा पेशेंट के बिफोर आफ्टर्स वगैरह नहीं डालता हूं, सिर्फ उन्हीं का डालता हूं जो लोग अलाउ करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आप, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल वैसे भी फील होता है हर पेशेंट से पूछने पर कि भाई क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ, क्या आपकी वीडियो को डाल सकता हूँ, और अगर मुझे कोई लगता है केस अच्छा है और मुझे डालना भी चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हम हर किसी पेशेंट की करते ही हैं, तो उस पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट का फेस ना दिखे। उसमें हम सिर्फ इतना फेस लेके या फिर कुछ भी अपना जो स्पेक्स लगा के उस तरह से वीडियो डालते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था। अब इसमें भी दो बातें हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि ऐसा नहीं कि हर लेजर ट्रीटमेंट सेफ है। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, बहुत अच्छे लेजर्स हैं, तो ही लेजर सेफ हैं। और सेफ लेजर किस तरह के होते हैं ये जानने के लिए आप ऊपर मेरी एक वीडियो है, साइड में वीडियो का थंबनेल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके मेरी वीडियो स्क्रॉल कीजिएगा। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे जो सारे के सारे मेरे जो चैनल हैं, जैसे कि ये वाला मेरा चैनल है डॉक्टर कसानाज स्किन एंड हेयर केयर टिप्स का, तो इस पे मेरी सारी टिप्स रिलेटेड हैं, ट्रीटमेंट वाला चैनल उस पे ट्रीटमेंट्स हैं, और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरे साथ इसी तरह जुड़ने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद।